देखेंगे किस तरीके की फीलिंग्स हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा, इसकी मैसिव रीच है। इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुजुर्ग इसको देखते हैं। मैं कहीं भी जाता हूं तो मॉल में वहां पे लोग खतरों के खिलाड़ी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूं, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है। करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता, बिकॉज इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो, बड़ा मुश्किल शो है ये फिजिकली। बट आज हमारा फिनाले है, couldn't have asked for a better show, better team, and बहुत खुशी हो रही है। Okay, एक बार कौन? एक Big Boss का भी एक finale था। जी। एक आज इसका finale है। तो जी। कहाँ ज़्यादा nervous थे आप? मैं nervous ना वहाँ था ना यहाँ हूँ, because जो होना होता है वो होता है। ये होता तो अच्छा होता, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ। जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, and अगर होना होता तो हो जाता। That's all that I always believe. मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है, वो एक लड़का है राहुल वैद्य। तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो। सॉरी, जी रोहित सर ने खुलासा कर दिया रियली? नहीं, तो मैं अभी सर से जाके पूछता हूँ, सर हमें भी बताइए कि क्या है। आई थिंक खुलासा अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में। थैंक यू गाइस। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी सर आगे आइए थोड़ा। अरे मास्क लगा लिया सर, मास्क लगा लिया सर, जल्दी ऊपर दे अभी ना, हम तो खिलाड़ी हो खतरों के। सर वहीं पे रुकिए सर, वहीं पे बस 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 सर, बस सर सर यहां पे भाई, इधर से भाई थोड़ा पीछे हाथ निकाल। अच्छा रेडियो के बापी प्लीज यार, रेडियो के जाइए ऐसे खड़ा आराम से देंगे। अभिनव सर पीछे तो देखो, अभिनव सर यहाँ पर, अभिनव भाई एक मिनट देखो। थैंक यू सर।